क्या 2 रुपए का एक सिक्का एक ही ईयर में जारी होने के बाद में अलग अलग मिंट से जारी होने के कारण क्या अलग अलग कीमत तय हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। 2 रुपए का एक सिक्का एक ही ईयर में जारी किया जाता है, लेकिन जैसे अलग अलग मिनट में बनाया जाता है वैसे अलग अलग उसकी कीमत भी हो सकती है। हो सकता है 1 मिनट का सिक्का 2 रुपए का 2 रुपए ही वैल्यू रखता हो, लेकिन हो सकता है 1 मिनट का सिक्का आपको 2,000 रुपए भी दिला सकता है। कैसे हो सकता है, कौन सा वो सिक्का है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू जाट और आप देख रहे हैं नंदू जाट सीके चैनल। और आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 2 रुपए के 1995 में जारी किए गए एग्री एक्सपो के इस सिक्के के बारे में। अगर आप लोगों के पास में 2 रुपए के सिक्के पड़े हुए हैं और आप इनको बेचना चाहते हैं तो इनमें से एक सिक्का मैं भी खरीदने वाला हूं। 2 अलग अलग मिनटों में इन सिक्कों को जारी किया गया था और दोनों मिनटों के सिक्के की कीमत अलग अलग है। तो ये तो आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा कौन सा सिक्का कितना कीमती है, कौन सी मिंट का सिक्का रेयर है और कौन सी मिंट का सिक्का स्केयर है। वैसे तो कॉमन नहीं है, एग्री एक्सपो के सारे सिक्के ही रेयर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ सिक्कों की कीमत कम है तो कुछ सिक्कों की कीमत ज्यादा है, ये आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो चलो जानते हैं 2 रुपए के एग्री एक्सपो के 1995 में जारी किए गए इस सिक्के की वैल्यू क्या है। वीडियो को देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि ये 2 रुपए का सिक्का कितनी वैल्यू आपको दे सकता है और इन सिक्कों को आप कहाँ सेल कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें। उससे क्या होता है ना, आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। दोस्तों, एग्री एक्सपो का ये 2 रुपए का सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है ये तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें इस सिक्के के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। एग्री एक्सपो का 2 रुपए का सिक्का कॉपर निकल धातु से बनाया गया था और इन सिक्कों का वजन 6 ग्राम होता था। ये ध्यान रखने वाली बात है 2 रुपए के सिक्के को पहचानने के लिए। और रिवर्स साइड से इस सिक्के को चेक करते हैं तो बीच में एक बैल का फोटो बना हुआ है और उसके पास में हल रखा हुआ है और ऊपर में एग्री एक्सपो 95 लिखा हुआ है, और उसके नीचे की साइड देखते हैं तो 2 बालियों के निशान बने हुए हैं और उसके नीचे एग्री एक्सपो 95 अंकित है, और उसके नीचे 1995 जो इस सिक्के का मिंट ईयर है, और उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं बना है, मतलब ये सिक्का कोलकाता की मिंट से जारी किया गया है। आउटसाइड जो रिम बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर, और दूसरी साइड में भारतीय कृषि का विश्वव्यापीकरण। सिक्के के ओवर भाग में बीच में बड़ा अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे डिनोमिनेशन 2 लिखा हुआ है, और एक साइड भारत रुपए हिंदी में, दूसरी साइड इंडियन रुपीज इंग्लिश में लिखा हुआ है। भारत के 2 अलग अलग मिंटों से इन सिक्कों की ढलाई की गई थी मुंबई और कोलकाता, जिसकी पहचान करने के लिए आप सिक्के पे बना हुआ मिंट मार्क चेक कर सकते हैं। अगर मुंबई मिंट का सिक्का होता है तो 1995 के नीचे आपको डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलेगा, और अगर कोलकाता मिंट का सिक्का होता है तो उसके अंदर कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप इस सिक्के को वेरीफाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों की कीमत के बारे में। अगर आपके पास में ये 2 रुपए का सिक्का मुंबई की मिंट का होता है जिसमें 1995 के नीचे यहाँ पे डायमंड का मिंट मार्क देख रहे हैं, ऐसा मिंट मार्क बना होता है तो उस सिक्के की कीमत आपको 50 रुपए से लेकर 400 रुपए तक मिल सकती है। सिक्के की कंडीशन पे डिपेंड करता है सिक्का कौन सी कंडीशन में होता है। दूसरा सिक्का है कोलकाता की मिंट का, जिसको आप लोग देख रहे हैं 1995 के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो ये सिक्का उस सिक्के से ज्यादा वैल्यू रखता है। इसकी वजह यह है कि इसकी मिंटेज उससे भी शॉर्ट है, और ये कोलकाता मिंट का सिक्का आज के टाइम में वैल्यू रखता है 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक। सिक्के की कंडीशन ज्यादा डिपेंड करती है उसकी कीमत के ऊपर, डिमांड कंडीशन ये सारी चीजें करेंसी को बहुत ज्यादा मतलब मायने रखती है। अगर आप लोगों के पास में ये सिक्का है और किसी कलेक्टर को जरूरत है तो वो आपको 1,000 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी दे सकता है, और अगर किसी को नई जरूरत है तो वो UNC कंडीशन में भी आपको 1,000 रुपये में ये सिक्का सेल करना पड़ सकता है। तो ऐसा होता है, कभी कभी डिमांड भी होती है और कंडीशन सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपका सिक्का अच्छी कंडीशन का है तो आज नहीं तो कल बिक ही जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आपके इन सिक्कों की वैल्यू क्या चल रही है।
अब बड़ा सवाल खड़ा होकर आता है कि अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के होते हैं तो आप इनको बेचेंगे कहाँ? ये बड़ा सवाल होता है। इसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इनमें से आप कोलकाता मिंट का सिक्का मुझे भी सेल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप एग्जीबिशन में ले जाके भी इन सिक्कों को सेल कर सकते हैं। तो आप कौन से स्टेट से हैं ये मुझे आप नीचे कॉमेंट करके बताना, मैं आपको आपके स्टेट में होने वाली एग्जीबिशन की डिटेल बताऊंगा। आपके स्टेट में कब एग्जीबिशन लगने वाली है ये डिटेल जानने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हैशटैग नंदूजाट सीके लगाकर आप अपना स्टेट बता सकते हैं और वहाँ पे होने वाली एग्जीबिशन के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें।